रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने रांची के जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फिलहाल इसके लिए वो खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। ये टीम हर दिन किए गए सर्वे का रिपोर्ट बनाएगी और अंत में एक ज्वाइंट रिपोर्ट बनाया जाएगा और जहां जहां अतिक्रमण है वहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जिन जगहों पर वाटर बॉडी से 15 मीटर के दायरे में कोई निर्माण है तो निश्चित रूप से वह अवैध है। वहीं रांची के डीसी छवि रंजन ने शहर में चल रहे अतिक्रमण अभियान पर कहा कि रांची क्षेत्र में जितने भी वाटर बॉडी है उनका सर्वे पहले ही किया जा चुका है। अतिक्रमणकारियों को भी चिन्हित किया जा चुका है, उन्हें हटाया भी जा रहा है। इसके साथ ही जो निगम बायलॉज हैं उसके तहत 15 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो म्यूनिसिपल बायलॉज है उसमें भी, जैसा आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा कि कोई भी वाटर बॉडी के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक संयुक्त प्रयास है नगर निगम का और जिला प्रशासन का। एक कमेटी भी बनाई गई है अपर समाहर्ता और उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में और उसमें SDM से लेकर सभी कंसर्न्स को टाउन प्लानर जेई अमीन सभी लोगों को इसमें नियुक्त किया गया है और प्रत्येक दिन लोग सर्वे करेंगे और जहां पर भी GM लैंड होगा, सरकारी जमीन होगा, उस पर अगर अवैध बनाया काम किया गया है तो उस पर नियमानुसार उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ अगर 15 मीटर के अंदर कोई काम किया गया है उसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा उस पर हटाया जाएगा। ये प्रयास पहले से जारी चल रहा था परंतु इधर जो है कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है और इस कारण से इसको थोड़ा सा और हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता थी और आज से इसको ज्वाइंट करके हम लोग शुरू कर दिए और आने वाले समय में जितने भी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जाएंगे उन सभी बढ़ाने की कार्रवाई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।